जैसा कि आपको पता होगा कि मोदी सरकार ने 2000 रुपए की 17वीं किस्त 18 जून को भेजने के बाद फिर से किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपए की एक और किस्त जारी कर दी है और खाद के लिए 5000 रुपए अलग से भेज दिए गए हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे खाते में अभी तक 4000 रुपए आया ही नहीं है, और बहुत सारे ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे 4000 रुपए तो आया है लेकिन खाद के लिए 5000 रुपए नहीं मिला है। और कुछ ऐसे भी कमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि सर ना तो मेरे खाते में 4000 रुपए आया है और ना खाद के लिए 5000 रुपए अलग से मिला है। तो आज वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं, जिन जिन किसानों के बैंक खाते में नहीं आया है ये दोनों राशि, इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको कैसे मिलेगा लाइव प्रूफ आपको बताएंगे। और हम गारंटी ले रहे हैं कि इस वीडियो में ही आपका पैसा आपके बैंक खाते में आएगा। अगर नहीं आता है तो आज के बाद में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, 100% गारंटी के साथ मैं गारंटी ले रहा हूँ, डायरेक्ट लाइव वीडियो में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके बैंक खाते में 2000 रुपये की 17वीं किस्त तो आपको मिल चुका है। लेकिन अगर आपको 4000 रुपये फिर से नहीं मिला है या फिर खाद की 5000 रुपये आपको जो सरकार ने अलग से भेजे हैं वो राशि अगर आपको नहीं मिला है तो मैं फुल गारंटी ले रहा हूं इस वीडियो में मिलेगा 100% गारंटी के साथ। और जो मैं तरीका बताने वाला हूं उस तरीका में जो है आपको 10 से 15 मिनट में ही आपके बैंक खाते में ये राशि आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे किसानों के बैंक खाते में आया भी है। मैंने जो प्रोसेस बताया उसमें जो है वो सभी किसानों के बैंक खाते में आया है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और मिला भी था, लेकिन शायद बहुत सारे ऐसे किसान थे जो वो मेरा पुराना वीडियो नहीं देख पाए। तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आपके बैंक खाते में 2000 रुपए की 17वीं किस्त भेजने के बाद जो फिर से मोदी सरकार ने 4000 रुपए भेजे हैं और खाद के लिए अलग से 5000 रुपए भेजे हैं वो आपको कैसे मिलेगा, पूरा तौर तरीका आपको बताने वाला हूं। पहले ये समझ लीजिए कि अगर मुझे कुछ कॉमेंट में ये भी मिला है कि सर मोदी सरकार ने जब 2000 रुपए भेजा तो फिर से 4000 रुपए आखिर क्यों भेजा, और बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि उनको डाउट लग रहा है कि आखिर सरकार ये राशि क्यों भेजेगी। तो इसके बारे में थोड़ा हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मोदी सरकार आखिर क्यों किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपए फिर से भेजी और खाद के लिए 5000 रुपए अलग से भेजे गए, पहले इसको बारे में समझ लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि मोदी सरकार तीसरे बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये तीसरे बार जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले जब लोकसभा चुनाव चल रहा था उस टाइम राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है यानी कि इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो हम किसानों को हर महीना 4000 रुपए की राशि देंगे, ठीक है। ये जो है राहुल गांधी ने ऐलान किया था, और इसी बीच जो है उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी सरकार तो 4 महीने पे किसानों को 2000 रुपए देती है लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों को प्रति महीना 4000 रुपए दिए जाएंगे और महिला को 8500 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि साल में 1 लाख रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और किसानों को प्रति महीना 4000 रुपए दिया जाएगा। ये चीज़ जो है राहुल गांधी ने ऐलान किया था, और उसके बाद जो है पीएम मोदी ने भी तुरंत ऐलान किया। जैसा कि आपको भी पता होगा, आप पुराना लाइव देख सकते हैं पीएम मोदी का, अब वो भी हम आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ी देर में पीएम मोदी का लाइव संबोधन भी दिखाने वाले हैं। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि तो दे ही रहे हैं हर 4 महीने पर 2000 रुपये, लेकिन उसके बाद फिर से 4000 रुपये और अलग से किसानों के बैंक खाते में जारी करेंगे और खाद के लिए 5000 रुपया भी हम देंगे, ठीक है। यही ऐलान जो है अब की जो है मोदी की गारंटी में बोला गया था, और वही चीज जो है पीएम मोदी अब करने जा रहे हैं, यानी कि अब किसानों के बैंक खाते में भेजने जा रहे हैं। और हम पीएम मोदी का लाइव संबोधन भी दिखाएंगे, जिन जिन किसानों के बैंक खाते में ये राशि आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू दिखाएंगे किसानों का कि जिन जिन किसानों को ये राशि मिला है उन किसानों का इंटरव्यू दिखाएंगे, और साथ में पीएम मोदी का लाइव संबोधन भी दिखाने वाले हैं, पीएम मोदी क्या बोल रहे हैं। और आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिन किसानों के बैंक खाते में इन दोनों योजनाओं का राशि नहीं आया है उन किसानों को क्या करना होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि हर योजना में कुछ न कुछ नए नियम सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं, जैसा कि आपको पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2000 रुपये का लाभ उठा रहे थे तो बीच में अचानक मिलना बंद हो गया था, क्यों, क्योंकि पीएम मोदी ने नए नियम लागू किए, और वो नया नियम था EKYC। उन्होंने एक नया नियम लागू किया कि सभी किसानों को EKYC कराना होगा तो फिर किसानों को राशि मिलेगा, अन्यथा बंद हो जाएगा। तो फिर किसानों ने EKYC कराया और फिर ये राशि मिलना शुरू हो गया। वैसे ही हर बार कोई नई योजना आती है तो कुछ नए नियम भी लागू किए जाते हैं, इसलिए किसानों को इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं, जानकारी नहीं होता है, जिस वजह से किसानों को ये राशि नहीं मिल पाता है, किसान वंचित रह जाते हैं। इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है, वो कौन से नए नियम है जिस वजह से किसानों के खाते में राशि नहीं आई है वो भी बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले पीएम मोदी का लाइव
टाइप संबोधन दिखाते हैं जिसमें पीएम मोदी क्लियरली बोल रहे हैं कि खाद के लिए, बीज के लिए, दवा के लिए अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये राशि नहीं मिली है तो कब मिलेगी वो भी पीएम मोदी बता रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी का लाइव संबोधन सुनाने से पहले किसान का इंटरव्यू सुनाते हैं, उसके बाद पीएम मोदी का लाइव संबोधन सुनाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आपके साथ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको इस योजना का लाभ चाहिए तो। मैं गारंटीज के साथ कहा हूं कि इसी वीडियो में आपको सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, ऑन वीडियो मिलेगा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस एक मिनट का टाइम दीजिए, घबराइए नहीं। तो चलिए लाइव शुरू करते हैं। मैं किसान हूं, मैं खेती करता हूं, पिछले 20 सालों से मैं खेती करते आ रहा हूं और मुझे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल चुका है, मिल रहा है। और पिछले बार मुझे 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ₹2000 की किस्त मेरे खाते में आ गई है। आज मेरे खाते में जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ₹4000 फिर से आए हैं, जो कि पीएम मोदी ने जो घोषणा किया था, जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। और खाद के लिए ₹5000 अलग से अभी मिलने वाला है। जैसा कि आपने देखा, किसान का लाइव संवाद मैंने आपको सुनाया, जिसमें किसान क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं किसान हूं, मैं खेती करता हूं, पहले मैं काफ़ी दिनों से यानी 20 साल से मैं खेती करते आ रहा हूं और पहले मेरे खाते में ₹2000 की राशि मिल रही थी, यानी कि ₹2000 की 17वीं किस्त जो है वो मिल चुकी है 18 जून को, और फिर से मेरे खाते में जो है वो ₹4000 की एक और किस्त मिली है और मैं काफ़ी खुश हूँ, पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जो भी हो, वो पीएम मोदी ने, जो किसान ने जो है अपना स्टेटमेंट जारी किया है। अब यहाँ पर जो है हम डायरेक्ट पीएम मोदी का लाइव संबोधन सुनाने वाले हैं और थोड़ी देर में हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से लाइव करने वाले हैं। उसके बाद हम आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आपको इस योजना की राशि जो है वो कैसे मिलेगी। थोड़ा सा भी वीडियो को आगे मत भगाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हम चलिए पीएम मोदी का लाइव संबोधन सुनाने वाले हैं, जिसमें पीएम मोदी क्लियरली बोल रहे हैं कि खाद के लिए मैंने जो है ₹5000 भेज दिया है, बीज के लिए भी पैसा भेज दिया, यानी खाद के लिए भी पैसा, जो कि खाद के लिए ₹5000 पीएम मोदी ने भेजा है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, बीज के लिए ₹4000 की राशि जो है वो भेजी है, और कब मिलेगी वो भी पीएम मोदी इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। कोई कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। चलिए अब हम डायरेक्ट आपको लाइव संवाद करने वाले हैं, लाइव कर रहे हैं पीएम मोदी का, वीडियो के साथ बने रहिएगा। खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए जिन किसानों को आज नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में इसकी राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाई और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए, तो जैसा कि आपने सुना, पीएम मोदी क्लियरली बोल रहे हैं कि खाद के लिए, बीज के लिए जो है, खाद के लिए ₹5000 भेजा गया, बीज के लिए भी मैंने राशि भेज दिया है और ये आने वाले कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही हफ्तों में ये राशि आपके बैंक खाते में जारी हो जाएगी। देखिए, ये पेमेंट दो स्टेप में जारी की गई है, पहला पेमेंट जो उसी दिन जारी हो गया था और सेकेंड पेमेंट जिसमें एक हफ्ता का टाइम लग सकता है, क्योंकि DBT के माध्यम से ये राशि जारी होती है। पीएम मोदी कोई गूगल पे और फोनपे के माध्यम से तो भेजते नहीं है, ये राशि DBT के माध्यम से जारी होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, पीएम मोदी क्लियरली बोले हैं। अब यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट समझाने वाले हैं कि अगर आपके बैंक खाते में ये राशि नहीं आई है तो तुरंत 10 मिनट के अंदर ये राशि आप अपने बैंक खाते में कैसे मंगवा सकते हैं। चलिए पूरा प्रोसेस बताते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा, कहीं भी मत जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप साइट पे आ चुका हूँ और इस डेस्कटॉप साइट पे जो है मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कि अगर आपके बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फिर से जो मोदी सरकार ने ₹4000 भेजे हैं, वो खाद के लिए ₹5000 भेजे हैं, वो अगर नहीं मिला है तो कैसे आप मंगवा सकते हैं। और उसके अलावा देखिए, आप मेरे एक परिवार के तरह हैं, ठीक है, और आप मेरे परिवार के तरह हैं तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि इस योजना के भी अलावा अगर कोई और योजना भी, जैसे कि सरकार के द्वारा जारी की गई है किसान कर्ज माफ़ी योजना, जो कि सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्ज ले रखा है, गरीब हैं, कर्ज ले रखा है, नहीं चुका रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, तो उस योजना के लिए भी हो, चाहे पीएम आवास योजना ग्रामीण, जैसे ही तीसरी बार पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहला साइन जो है वो पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए किया गया था और सबका नाम बिना आवेदन किए ही ऑटोमेटिक जो है सबका नाम लिस्ट में आ गया और ये राशि मिल भी रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस योजना का राशि नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए या फिर किसी भी योजना के लिए आपको तुरंत
तुरंत का तुरंत ये लाभ मिलेगा, ऐसी प्रक्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। अपने मोबाइल में अपना मोबाइल ले लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये गूगल बाबा है, ठीक है। इस गूगल में छोटा सा चीज़ सर्च करना है, क्या सर्च करना है वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा सर्च कर लेना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना राज्य डालना है, जिस राज्य से आप हैं, जो भी आप राज्य से हैं, जिस राज्य से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो आपका राज्य है वो अपना राज्य डाल देना। मान लीजिए जैसे कि मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बिहार डाल दिया, ठीक है। आप जिस राज्य से हैं वो राज्य डाल दीजिए, ठीक है। डालते ही सबसे पहला ऑप्शन जो आता है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फ़ोन नंबर, ये सीधा मुख्यमंत्री का फ़ोन नंबर दिख रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है, सीधा इस नंबर पर आपको कॉल करना है। ये आपके लिए ही नंबर दिया गया है, यहाँ पर ये नहीं है कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री फ़ोन उठा हैं, ऐसा नहीं है। उनके अधिकारी लोग वो अपना एक कस्टमर केयर खोले हुए हैं गरीबों को मदद के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉल कीजिएगा और सीधे बोलिएगा कि मुझे इस योजना का लाभ नहीं मिला है। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो तुरंत आपके ब्लॉक को कॉल करते हैं, वहाँ से अप्रूवल मिलता है और डायरेक्ट आपको मिल जाता है। कॉल पर ही आपका काम करवा देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक तो छोड़िए, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, हम प्रधानमंत्री भी अपना नंबर दे रहे हैं, देख सकते हैं। कहीं भी ऐसा इमरजेंसी आए तो सीधा आपको कॉल कर देना है। आप ही ना वोट दिए हैं, आप ही ना वोट दे के जिताए हैं, तो आपका हक बनता है मदद लेने का। सरकार आप ही के लिए ना है, बताइए। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पर दिखाते हैं डायरेक्ट हम आपको मदद कर रहे हैं, कहीं भी लोचा लपाटा नहीं, सीधा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सरकार के द्वारा दो चीज़ बोला जा रहा है, चाहे तो आप उनको पत्र लिख सकते हैं, ठीक है, चिट्ठी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको इस पर क्लिक करके चिट्ठी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक किया, डायरेक्ट पीएम मोदी का ऑफिशियल पोर्टल खुला, इस पर आपको क्लिक किए, ओके किए, डायरेक्ट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई किए, पत्र लिखें, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आप को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको फ़ोन नंबर दे देते हैं पीएम मोदी का, डायरेक्ट उनको कॉल कीजिए। वहाँ पे भी पीएम मोदी नहीं उठाते हैं, ठीक है, उनका असिस्टेंट उठाएंगे। आपको जो भी समस्या है वो बताइए, वो आपका पूरा करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट विथ US, यहाँ पे सिंपली क्लिक कीजिए और ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम मोदी का नंबर आ गया, ये नीचे एड्रेस और ये फ़ोन नंबर, इस पर क्लिक कीजिए। बिल्कुल फ्री नंबर है, कहीं पैसा भी नहीं कटेगा आपको। कॉल कीजिए, जो भी आपकी समस्या है तुरंत बताइए, तुरंत मदद मिलेगा। सरकार इतना सुविधा आपको दे रही है फिर भी आप लोग जागरूक नहीं है। कहीं भी समस्या हो तुरंत मदद कीजिए, A to Z किसी भी प्रकार की समस्या हो सरकार के द्वारा डायरेक्ट मदद ले सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, बताइए। अब यहाँ पे रही ये बात, अब यहाँ पे जो कि अगर आपको ये राशि नहीं मिलती है, मान लीजिए, छोड़िए ये सब बात, अब यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम आपको दिखाते हैं पीएम किसान के पोर्टल पे चलते हैं, पीएम और किसान, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको इस योजना का लाभ के लिए जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जो है इस योजना का लाभ जैसे कि सरकार के द्वारा भेजा गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये राशि के लिए आप चाहते हैं कॉल करना, मेरे हिसाब से आप जो है लगभग 6 से 7 दिन का इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। अगर ये राशि 6-7 दिन में नहीं मिलता है तो डायरेक्ट एक्शन लीजिए और आप अपना लिस्ट में भी नाम चेक कर लीजिए। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, घबराने की जरूरत ही नहीं है। बेनिफिशियरी लिस्ट में जाइए और नाम चेक कीजिए। बेनिफिशियरी लिस्ट में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको पीएम किसान के पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी लिस्ट है, यहाँ पर जाकर आपको सिंपली यहाँ पे अपना राज्य, ब्लॉक, जिला, यहाँ पे देखिए राज्य, जिला, सब जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करके गेट रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे राज्य डाल दिया, जिला डाल दिया, सब जिला डाल दिया, ब्लॉक डाल दिया, यहाँ पे गांव डाल दिया, गेट रिपोर्ट पे क्लिक किया, इस प्रकार से आपका लिस्ट में नाम होगा। जैसे ही आपका इसमें लिस्ट में नाम हो तो समझ जाइए आपको लाभ मिलेगा, घबराने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, बात खत्म। आपका क्या सलाह सुझाव है नीचे बताइएगा। अगर कोई नए नियम लागू होते हैं, कोई और नया डॉक्यूमेंट सरकार बोलती है जमा करने के लिए, तो हम वीडियो अलग से बना के देंगे। अभी फ़िलहाल कोई डॉक्यूमेंट के लिए नहीं बताया गया, अगर कोई नियम लागू होता है तो बताएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तुरंत बताएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो वीडियो कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा, बताइए। करना तो होगा, ललका बटन होगा नीचे में, उसको दबा दीजिए, बात खत्म। आप निश्चिंत हो जाइए, कोई भी समस्या होगा मेरा वीडियो मिलेगा, देखिएगा प्रॉब्लम
सब। उम्मीद करते हैं आप सदा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।